हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू आपका अपना चैनल वंडरलस्ट ऑफ विलास में। एंड हम पहुंच गए हैं पोखरा और मैं 3 दिन काठमांडू में रुका, वहाँ पे घूमा। आप सब अगर आप मेरा ब्लॉग फॉलो कर रहे होंगे तो मेरा काठमांडू ख़त्म हो चुका है और ये मैं पोखरा पहुँच चुका हूँ। पोखरा में पहले मैं डेविस फॉल घूमने आया हूँ। ये तो ये जो जगह है ये है डेविस फॉल। इसका बहुत ही पुराना रिश्ता है पोखरा से। बोलते हैं कि देवी नाम का एक फॉरेनर जो यहाँ पे गिर गया था, उसके बाद इसका नाम हुआ डेविस फॉल। अब जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये एक बुद्धा पार्क है, छोटा सा पार्क है यहाँ पे। एंड उसके पीछे आप देख पा रहे होंगे ये जो है ये है एंट्री यहाँ से, यहाँ का डेविस फॉल का। यहाँ पे एंट्री के लिए आपको 80 रुपीज़ नेपाली 80 रुपीज़ लगता है, उसके बाद आप यहाँ पर अंदर घूम सकते हो। एंड इसके सामने गुप्तेश्वर महादेव का टेम्पल है। पहले यहाँ पे डेविस फॉल घूमते हैं फिर चलते हैं गुप्तेश्वर महादेव। तो अभी के लिए आप देखिए, हम चलते हैं नीचे, देखते हैं कैसा है फॉल नीचे। सो ये जो डेविस फॉल है इसको पहले नाम दिया गया था डेविड्स फॉल। एक्चुअली यहाँ पे एक स्विस महिला नीचे नहाने के लिए गई थी और वो वहाँ पे डूब के मर गई थी। तो उसके बाद उनके पिताजी ने बोला था कि इसका नाम डेविड्स फॉल रख दिया जाए, बट नेपाली लोगों ने इसको मतलब बोल के इसको डेविस फॉल बोल दिया। एंड अभी इसको डेविस फॉल बोलते हैं। और इसका जो नेपाली नाम है असल में ये है पाताली चांगो, इसको पाताली चांगो बोलते हैं। और यहाँ पर जो नदी बहता है वो जब बह के नीचे पूरा पहुंच जाता है, नीचे जब मिट्टी के पास पहुंचता है उसके बाद एक बहुत बड़ा सुरंग बनाता है नीचे। एंड ये जो नदी है ये ग्राउंड लेवल से 100 फीट नीचे बहता है और उसके बाद 500 मीटर का एक टनल बनाता है। तो यही है डेविस फॉल का महत्व। और आप वहाँ पे ऊपर आके डेविस फॉल को देख सकते हो। अभी तो इतना पानी नहीं है तो ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया, और अगर मानसून के मौसम में आप आओगे देन उस टाइम आपको बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। बहुत पानी होता है और ये जो सब देख रहे हैं आप अभी सूख गया है, सब हरा भरा रहता है, बट मानसून के टाइम में यहाँ पे आना नेपाल में बहुत मुश्किल है क्योंकि घाई वाला रास्ता है बहुत और बहुत डेंजर रहता है। सो चलिए मैं आपको और कुछ नज़ारा देखता हूँ, दिखाता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे गुप्तेश्वर महादेव टेम्पल जो इसके ठीक सामने है। यहाँ पे एक कॉटेज टाइप का बना हुआ है बैठने के लिए, अच्छा दिख रहा है। तो ये जो छोटा सा पूल टाइप का है ये लिखा हुआ था विश पूल, शायद मन्नत मांगने से पूरी होता है यहाँ पे, पर कोई तो मांग नहीं रहा है। चलिए चलते हैं हम यहाँ से। अभी हम पहुंच गए एग्ज़िट की तरफ। एंड यहाँ से असल में ज़्यादा बड़ा जगह नहीं है, बट आप आराम से 15-20 मिनट घूम के जा सकते हैं। ये है बुद्धा पार्क छोटा सा। सो यहाँ पे है आपका डेविस फॉल, और अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो उस तरफ वहाँ पे आएगा आपका गुप्तेश्वर महादेव। तो डेविस फॉल के सामने ही गुप्तेश्वर महादेव जी का मंदिर है, पर वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। सो
वहाँ से जाने के लिए मना किया। गार्ड ने बोला कि पीछे की तरफ से जाओ, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा आसानी से रास्ता। इसलिए मैं पीछे की तरफ से जा रहा हूँ उधर से। सो लेट्स सी, आई होप मिल जाना चाहिए। यहाँ पे बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है बहुत टाइम से। मैं देख सकता हूँ ये रोड वाइडन हो रहा है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे रोड थे यहाँ पे, तो रोड बहुत वाइडन हो रहा है पोखरा में और काठमांडू में बहुत जगह में हो रहा है। भैया गुप्तेश्वर महादेव के लिए इधर से रास्ता हुआ ना, उधर से काम चल रहा है बोले इधर से। अच्छा ये वाला गेट, ओके थैंक यू। मैं आगे चला आया था, सो उन्होंने बता दिया रास्ता पीछे वाला गेट है ये। अच्छा ये वाला गेट मिल गया। तो ये है गुप्तेश्वर महादेव जी का पीछे वाला गेट, एंट्री ले लिया है हमने एंड ओके हाँ दिख गया। ओके ओके दिखाता हूँ मैं आपको। सो हियर वी आर एट द टेम्पल ऑफ गुप्तेश्वर महादेव जी। नाउ वी आर जस्ट इनसाइड द गुप्तेश्वर महादेव टेम्पल। एक्चुअली ये रास्ता है अंदर जाने के लिए, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, वेल टाइप का है, और आप इसे घूम घूम के स्टेयरकेस बना हुआ है तो आप नीचे जा सकते हो। अभी तो जमीन के थोड़ा अंदर आ गए हम, उसके बाद कहीं मिल गए गणपति जी। और जो पीछे है ये है शिव जी का मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव शिव जी, और यहाँ से आप नीचे जा सकते हो घूमने के लिए। तो चलिए देखते हैं नीचे। कल रात को पोखरा में बहुत जोर सा बारिश हुआ है, तो इसी की वजह से यहाँ पूरा पानी पानी हो गया है। फिर भी रहता है पानी, बट आज थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ये रास्ता है बहुत ही सक्री, और देखता हूँ कितना अंदर जा सकता हूँ मैं। लेट्स गिव इट अ ट्राई। देख सकते हो पत्थर से पानी, तो बाप रे। यहाँ पे थोड़ा खड़ा हो जा सकते हैं। अरे बाप रे, यहाँ तो रास्ता बहुत सक्रिय हो गया है। ओके दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए कितना छोटा रास्ता हो गया है, मतलब इतना हाइट का, 4 फीट 3 फीट तक का होगा रास्ता, 3 फीट तक का। लेट्स गो इनसाइड। ये नहीं जा सकते। ओके
अच्छा है, यहाँ पे लाइटनिंग सिस्टम कर दिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आया है और छोटे छोटे बॉल लगा दिए हैं लोग। का सबसे एंड पॉइंट यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते। आप जो पीछे देख पा रहे हो गए, ये हमने जो डेविस फॉल में देखा था वाटरफॉल, ये वहीं वाला वाटरफॉल है। ये ऊपर से नीचे ऑलमोस्ट 100 फीट के नीचे आके यहाँ से 500 मीटर का एक गुफा बनाता है। तो बारिश के टाइम में यहाँ पे पानी भर जाता है ऑलमोस्ट, और अभी तो थोड़ा कम है इसीलिए यहाँ तक आ पा रहे हैं। यहाँ पे सारे आप देख पा रहे हो कि पीछे ये लोग रेलिंग लगा दिया है, तो आप पकड़ के आराम से आ सकते हो। और पीछे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको फ़ोटो डाल दूँगा, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। गुफा का एंडिंग है और वहाँ से आप झरने को देख सकते हो, तो बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है। ठंड है थोड़ा यहाँ पे और बारिश के कारण पानी बहुत ज़्यादा ऊपर से टपक रहा है। स्टिल बहुत अच्छा जगह है घूमने के लिए। कैब जैसे होते हैं इंडिया में बहुत सारे, उसी टाइप के ही कैब है, बट नज़ारा बहुत अच्छा है एक्चुअली। आप आके देख, घूमने के बाद मैं आ गया सामने, एक थकाली होटल है। थकाली खाना एक ट्रेडिशनल खाता हूँ खाना होता है नेपाली लोगों का, थकाली प्लेट। तो वहीं खाने के लिए हम सामने एक होटल था, वहीं पर आ गया। यहाँ पे जो खजागर बोलते हैं तो उसी खजागर में एक आ गया। एंड ये आ गया मेरा अभी थकाली थाली, और मैं उसको खत्म करता हूँ। उसके बाद मैं आपको कुछ फोटो वगैरह भी दिखा दूँगा जिसमें आपको अच्छे से दिख जाएगा थकाली थाली क्या होता है, और बाकी सब मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा कि थकाली थाली में क्या क्या होता है और क्या तो लंच ख़त्म करके मैं थोड़ा वॉक करके आया। पास में है इंटरनेशनल माउंटेन म्यूजियम नेपाल, तरीके से अंदर सजाया हुआ है, बहुत सारा अच्छा अच्छा चीज़ें हैं। असल में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है अंदर, फोटोग्राफी आप कर सकते हो, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, सो मैंने वीडियो नहीं बनाया कुछ। बहुत शांति भरा माहौल है। स्कूल के बच्चों को यहाँ पे म्यूजियम दिखाने के लिए बहुत सारे आसपास के स्कूल से टीचर लोग बच्चे लोग को लेके आए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड, एंड आप सबको नमस्ते फ्रॉम नेपाल। एंड आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है, एंड ये पोखरा वाला ब्लॉग है। पहले जैसे वीडियो को आप प्यार दिए हैं, ये वाला वीडियो को भी आप प्यार दीजिए। आगे भी दो चार वीडियो में डालने वाला हूँ, उसको भी उस हिसाब से देखिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। एंड अगर आपको बहुत अच्छा लगा देन सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टाटा बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।